हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी ग्लोज। एक बहुत ही रिसेंट डेवलपमेंट हुई है 5G से रिलेटेड, जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है कंट्री का पहला 5G टेस्ट बेड। टेस्ट बेड का मतलब ये है कि जहां पे आप अपनी 5G से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट हो उसकी टेस्टिंग कर सकते हो। 5G से रिलेटेड आपका कोई स्टार्टअप हो जिसमें आपको 5G का यूज करना हो, उस टेस्ट बेड पे जाके आप क्या कर सकते हो, 5G का अपनी उस टेक्नोलॉजी का टेस्ट कर सकते हो। तो 5G टेस्टिंग अगर इंडिया में किसी को करनी होती थी इसके पहले, तो उसको फॉरेन जाना पड़ता था, या तो USA जाना पड़े या तो साउथ कोरिया जाना पड़े जहां पे ऑलरेडी 5G वर्किंग है। बट अब उसको कहीं भी किसी को जाने की जरूरत नहीं है। अगर 5G से रिलेटेड टेस्टिंग करनी हो तो वो अब इंडिया में ही पॉसिबल है। 5G के बारे में आपको ऑलरेडी काफी सारी चीजें पता है। 5G पिछले 3-4 सालों से न्यूज में चल रहा है। 5G से क्या क्या हो सकता है, 5G से ये सारे काम बहुत इजीली हो सकते हैं। ये जो आप देख रहे हो ब्रॉडबैंड एंड मीडिया एवरीवेयर, तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। स्मार्ट व्हीकल जो आप सुनते हो, स्मार्ट व्हीकल्स कनेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ट्रांसपोर्ट पहले से काफी ईजी हो जाएगा और इंटरनेट द्वारा काफी कंट्रोल होने लगेगा। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल की बात करें, क्रिटिकल सर्विसेज की बात करें, क्रिटिकल सर्विसेज में आपका हेल्थ केयर सर्विसेज है, डिफेंस सर्विसेज है, ये भी काफी हद तक इंटरनेट में 5G के आने से बहुत ज्यादा यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। रिमोट डिवाइसेस को अगर कंट्रोल करना हो, अगर आपको CCTV कैमरा अगर आपने घर पे लगाया है, आप फॉरेन रूट पर निकल गए, तो आप इन सब चीजों के 5G की यूज से आप उसको देख सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। अभी भी कंट्रोल कर पा रहे हैं 4G या बाकी चीजों से, बट 5G के बाद और ज्यादा क्या हो जाएगा, और ज्यादा ईजी हो जाएगा। ह्यूमन और मशीन का जो इंटरेक्शन है पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़ा है, वो और ज्यादा बढ़ने वाला है और ज्यादा इजी हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये सारे 5G के हमारे फायदे हैं जो आपको ऑलरेडी पहले से पता है। बट अभी की न्यूज ये है कि 5G टेस्ट बेड को टेस्ट किया, टेस्ट बेड को ही टेस्ट किया है नरेंद्र मोदी जी ने 17 मई को। ठीक है, तो 17 मई को ये टेस्ट हुआ, इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट 5G टेस्ट बेड दैट विल इनेबल स्टार्टअप। बहुत सारे स्टार्टअप है, इंडस्ट्री प्लेयर है जो कि इस टेस्ट बेड पे जाके अपनी टेस्टिंग कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही मेजर न्यूज थी अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात करें हम इंडिया में। तो अब इस पे क्या होगा, इस पे ये आप देख पा रहे हो 1 Gbps की स्पीड यहाँ पे रहेगी, 256 किलोमीटर पर आवर स्पीड कंटिन्यूअस कवरेज रहेगा। आप अगर आपको कार की टेस्टिंग करनी है ऐसा कुछ जिसमें इंटरनेट या फिर उस स्पीड की आपको टेस्टिंग करनी है, तो आप वहां पे टेस्ट कर सकते हो। वहां पे फाइबर किलोमीटर है, 19 किलोमीटर का फाइबर केबल वहां पे लगा हुआ है। ठीक है, टेस्ट ट्रैक है 70 किलोमीटर का। तो ये सारी चीजें उस टेस्ट बेड में आपको मिलेंगी। अगर आपको कुछ करना है, अगर आपका कोई स्टार्टअप है, तो आप खुद भी जाके वहां पे टेस्ट कर सकते हो। टोटल कॉस्ट कितना लगा, तो ऑब्वियसली कॉस्ट काफी लगा, 220 करोड़ के लागत में ये चीजें तैयार हुई। ट्राय ने बोला कि चलो ठीक है, ट्राय जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसका नाम हम लोग बोलते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो पूरे टेलीकॉम सेक्टर को इंडिया में रेगुलेट करने का काम करती है। रेगुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो कई बार तो ये डायरेक्टली पूछ ले जाता है। बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज को एक साथ दे के पूछ ले जाता है कि आप क्रॉस मैचिंग करके देख लो। तो इससे तो आपको नाम देखते ही पता चल जाएगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राय किससे रिलेटेड है, तो टेलीकॉम से रिलेटेड है। ठीक है, The PM added that India's own 5G standard had been made in the form of 5G-I. तो हर कंट्री अपना 5G का स्टैंडर्ड बना रही है, तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड होगा उसका नाम 5G-I दिया जाएगा। तो उस 5G-I से अगर इंडिया में कोई कंपनी ऑपरेट कर रही है या करना चाहती है, उसको इस स्टैंडर्ड को मीट करना पड़ेगा। और मीट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको स्टैंडर्ड को टेस्ट करना होगा। कहां पे जाके, जो टेस्ट बेड का अभी परीक्षण हुआ, आप जाके वहां पे उसको टेस्ट कर सकते हो। मोदी जी ने कहा 5G टेक्नोलॉजी वुड आल्सो ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। गवर्नेंस ऑफ द कंट्री का मतलब ईज ऑफ लाइविंग जो है, ईज ऑफ लिविंग जिसको आप बोलो, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो काफी आसान हो जाएगा। ईज ऑफ लिविंग का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है, रोबोटिक्स, ये सारी चीजें और ज्यादा प्रोमिनेंस में आ जाएंगी। जो भी आपके कंप्यूटर है, कंप्यूटर से आप कनेक्ट कर सकते हो अपने फ्रिज को, AC को, सारी चीजों को कनेक्ट कर सकते हो फ्यूचर में। तो आप सो रहे हो, आपने टाइमर वैसे फिट किया हुआ, जैसे आज के टाइम में भी टाइमर फिट होता है,
ठीक है, सेंसर फिट होते हैं, तो इंटरनेट से कनेक्टिविटी से और ज्यादा आपको ईज ऑफ लिविंग मिलेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी आसान होगा। इंटरनेट जितना ज्यादा फास्ट होगा, बिजनेस उतना ज्यादा ईजी होने लगेगा। ठीक, तो ये आप बेसिकली आपको सारी चीजें 5G से रिलेटेड पता है। अब हम हिंदी न्यूज़पेपर की बात करें तो हिंदी न्यूज़पेपर में क्या कवर किया है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट में आप अगर होलिस्टिक कवरेज करें तो टेस्ट बेड तो होलिस्टिक है ही। इसके अलावा अगर 5G से होने वाले जो नुकसान है या 5G से होने वाले जो चैलेंजेस हैं वो हम आगे अभी देखने वाले हैं कि चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं 5G से। तो पहले 5G और 4G का अंतर देख लो। एक तो इंटरनेट स्पीड का जबरदस्त अंतर आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। 4G आप अभी आप यूज कर रहे हो, लगभग 100 Mbps तक की स्पीड आपको 4G से मिलती है। 5G से कितना मिलेगा, 10 Gbps तक की स्पीड आपको 5G से मिलेगी। फिर आती है एरिया कवरेज की बात। तो एरिया कवरेज अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर की बात करो, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 4G डिवाइस 4000 डिवाइस कनेक्ट कर सकता है, 4000 डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है 4G में। लेकिन 5G में कितना लाख, 10 लाख डिवाइस कनेक्ट हो सकता है। देखो कहां 4000 और कहां 10 लाख, इतना ज्यादा डिवाइस का डिफरेंस यहां आने वाला है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे डिवाइसेस जाएंगे, आपके घर में जितने डिवाइस हो सकते हैं वो सारे सारे इंटरनेट, सिर्फ मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, ये सारी चीजें नहीं, इसके अलावा आपका ओवन हो सकता है, आपका फ्रिज होगा, आपका एसी होगा, आपका और भी चीजें जो भी होंगी घर में, वो सारी 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 की सारी 5G से कनेक्ट हो जाएंगी फ्यूचर में। ठीक है, और आपकी ईज ऑफ लिविंग को बहुत ज्यादा इजी कर देंगे। डेटा ट्रांसफर करने में अभी 200 Mbps मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर होता है 4G से, 5G से इजिली 1 Gbps का डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। अगर एवरेज स्पीड, जो नॉर्मल एवरेज स्पीड आती है जनरली, वो कितनी आती है, 25 Mbps तक के आसपास आती है 4G में, तो यहाँ पे काफी ज्यादा आएगी, 200 से 400 Mbps की स्पीड आएगी। तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, आज भी 4G में कम सोचना पड़ता है, 5G में और कम सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम पूरे इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन कैसे हुआ, 1G आया 1979 में, 2G आया 1991 में, ठीक है काफी टाइम लग गया यहाँ पे, 3G आया 1998 में, थोड़ा फास्ट हुआ, अब इंडिया में थोड़ा लेट आया वो अलग बात है, बट ये इवोल्यूशन फास्ट हुए। 4G 2008 में आ गया था, हमें थोड़ा लेट मिला, 2014-15 से इंडिया में मिलना स्टार्ट हुआ, और 5G वर्ल्ड में 2019 में आ गया। देखो यहाँ हम 2022 में अगर हमने टेस्ट बेड बना दिया, 2023 से अगर आपको 5G मिलने लग गया, तो इसका मतलब हम जो टाइमिंग है उसको कितना कम करते आ रहे हैं, मतलब वर्ल्ड के साथ हम भी कदम से कदम मिला के चल पा रहे हैं जो पहले हम चल नहीं पा रहे थे। तो टेक्नोलॉजी गैप में हम लोगों ने काफी हद तक भरपाई की है, अगर हम बाकी कंट्रीज से कंपेरिजन करें तो। पहले बड़े बड़े शहरों में ही स्टार्ट होगा 5G, हर पूरे गांव-गांव तक तो 5G पहुंचाएंगे नहीं, तो बड़े शहरों में ऐसे 13 शहर हैं इंडिया के, जो भी बड़े शहर आप नाम ले लो, जिसमें दिल्ली भी होगा, कोलकाता भी होगा, मुंबई भी होगा, चेन्नई भी होगा, बेंगलुरु, पुणे, सारे ऐसे बड़े शहर होंगे, लखनऊ भी होगा इनफैक्ट, तो इन सारे शहरों में 5G पहले स्टार्ट की जाएंगे और फिर धीरे धीरे ये आगे की तरह फैलेगा। अब इसके हम कॉन्स देख लेते हैं कि 5G से विमानों को क्या खतरा होगा। मेन खतरा यही माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा खतरा यहाँ पे विमानों की सेफ्टी को लेके है, जो आपके एयरप्लेन है उनकी सेफ्टी को लेके है। ठीक है, तो क्या सेफ्टी को लेके है, जैसे ऑल्टीमीटर एक डिवाइस है, ऑल्टीमीटर से ये देखा जाता है कि जो भी आपका एरोप्लेन है वो जमीन से कितनी हाइट पे उड़ रहा है। तो ऑल्टीमीटर अगर डिवाइस है तो डिवाइस फ्रीक्वेंसी पे काम करता होगा, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, वो फ्रीक्वेंसी और 5G की फ्रीक्वेंसी जो है वो काफी हद तक मैच कर रही है, इसकी वजह से एरोप्लेन वगैरह या विमान जो भी है उसको खतरा होने के चांस है। मेन दिक्कत वही है, 5G का जो ट्रांसमिशन है वो ऑल्टीमीटर को क्या कर सकता है, उसमें कुछ चेंजेस ला सकता है, उसको अच्छे से काम नहीं करने दे सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर सी है। अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए में जो 5G नेटवर्क है वो 3.7 से 3.98 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास काम कर रहा है, और विमान का ऑल्टीमीटर किस पे काम करता है, 4.2 से 4.4 गीगाहर्ट्ज़, जो ये दोनों गीगाहर्ट्ज़ में है। ठीक है, और लगभग आसपास है, तो लगभग 4 के अराउंड है, लगभग सेम सी फ्रिक्वेंसी यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक दूसरे से अफेक्टेड ये रहेंगे। तो यूएसए में ऐसी काफी चीजें होंगी। ठीक है, ये दैनिक भास्कर ने लिखा है कि क्या यूएसए में हजारों फ्लाइट कैंसिल होंगी हर साल।
ठीक है, ऐसा क्या होगा, क्या 1000 क्या फ्लाइट रोज कैंसिल होंगी यूएसए में, क्या ये सारी प्रॉब्लम यूएसए में हो सकती है क्या? तो यूएस की पेपर, न्यूज़पेपर जो है रूटर्स वगैरह, तो उन्होंने ये सारी चीजें निकाली हुई थी कि क्या यूएस में 5G से प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बाकी कंट्रियां भी हैं जहां पे 5G थोड़ा बहुत चल रहा है, तो वो कंट्रियां कैसे बचा रही हैं? अगर एरोप्लेन या फिर विमान वगैरह को दुर्घटना से बचाने के लिए क्या काम कर रही है वो, तो वो भी सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर हमें 5G रन करना है तो यूरोप में थोड़ा कम फ्रिक्वेंसी करके 5G नेटवर्क का यूज हो रहा है, साउथ कोरिया में कोई दिक्कत नहीं आ रही, साउथ कोरिया ऐसे फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है, वहां पे कोई शिकायत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, 2019 से ही काम कर रहा है। फ्रांस ने एक बहुत बढ़िया काम किया है, फ्रांस ने एयरपोर्ट के आसपास एक बफर जोन बना दिया है कि उस बफर जोन में 5G बैन है और बाकी जगह 5G काम कर सकता है। तो इनिशियली हम भी फ्रांस से सीख ले सकते हैं, साउथ कोरिया से हम सीख ले सकते हैं और देख सकते हैं कि हम ऐसा क्या काम करें कि हमारी 5G जो है वो ज्यादा बेटर तरीके से काम कर पाए और ये जो भी एरोप्लेन या फ्लाइट कैंसिल वाली जो प्रॉब्लम है वो इंडिया में नहीं आए। ठीक है, तो ये रहा 5G से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको जाननी चाहिए, और 5G से रिलेटेड डेवलपमेंट हमेशा आती रहती है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनसीईआरटी बिल्कुल फाउंडेशन होता है, बिल्कुल बेस होता है, तो उसके लिए हमारे जितने भी एनसीईआरटी कोर्सेज हैं उस पर 25% का ऑफ है। कोई भी एनसीईआरटी कोर्स आप ले लो, और चाहे तो आप पॉलिटी का ले लो, हिस्ट्री का ले लो, ज्योग्राफी का ले लो, या सारे आप एनसीईआरटी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, हमारा ऐप विजिट करो, वहां पे देखो, क्योंकि एनसीईआरटी ही बेस है। ठीक है, तो बिना एनसीईआरटी करे यूपीएससी तो बहुत मुश्किल चीज है। ठीक है, बाकी एग्जाम जो भी है, अगर आप पीसीएस वगैरह का प्रिपरेशन करते हो, सब में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सब में ही रहते हैं, तो आई थिंक आपको वो ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, चलो, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।